फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन और प्याज खाने की आदत होती। वो लोग भोजन में टेस्ट बढ़ाने की वजह से अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। सलाद के रूप में भी बहुत ज्यादा प्याज खाएंगे और सब्जी में भी बहुत अधिक मात्रा में लहसुन डालेंगे। अब आपके द्वारा किया गया ये एक छोटा सा अभ्यास कहीं ना कहीं आपके शरीर में पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों को इनवाइट कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन और प्याज खाने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है। शरीर में ये दाह कारक माना गया है, ज्यादा प्याज खाना, ज्यादा लहसुन खाना पित्त कारक माना गया है। इससे आपके शरीर में पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग टेस्ट के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए हम लोग नहीं खाएं उसको, लहसुन प्याज को हमारे हेल्थ के लिए हमको खाना चाहिए, उसकी मात्रा का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं कि अति हर चीज की बहुत खराब होती है, इसलिए मित्रों आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि लहसुन प्याज आपकी हेल्थ के लिए प्रकृति ने बनाया है, उसको आप टेस्ट के वशीभूत होकर के, टेस्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज नहीं खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन नहीं खाएं। कुछ लोग तो बहुत इतना बड़ा प्याज लेकर के उसको अकेले ही खा जाते हैं और सब्जी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन डालते हैं। तो आप पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों को इनवाइट नहीं करें, ये शरीर में पित्त बढ़ाएगा। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि अगर कभी आपने भूल की वजह से या टेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज खा लिया या बहुत ज्यादा मात्रा में लहसुन का सेवन कर लिया तो क्या करना चाहिए। मित्रों, ऐसी कंडीशन में आपको एक ही जो होम रेमेडीज है उसका उपयोग करना है, वो है लेमन, नींबू। जब भी आप प्याज सलाद के रूप में उपयोग करें, वैसे मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्ट में, कि आपको सीमित मात्रा में ही लहसुन प्याज का उपयोग करना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लेकिन कभी अगर भूल की वजह से या टेस्ट की वजह से आपने ज्यादा प्याज खा लिया या ज्यादा लहसुन खा लिया तो आपको नींबू का सेवन करना है। अब उसको सेवन कैसे करना है ये भी आप सीख लीजिए। आप जब भी प्याज खाएं, उस प्याज को सलाद के रूप में अगर आप सेवन करते हैं, भोजन के साथ में खाते हैं, तो उस प्याज के उन छोटे छोटे टुकड़ों पर आप आधा नींबू उसका रस उसमें डाल दीजिए। लेमन नींबू आप उस पर निचोड़ करके उसका रस उस पर डाल दीजिए और 1-2 मिनट तक आप उसको, रस को अच्छे से उसमें मिक्स हो जाने दीजिए, अच्छे से उसको पड़ा रहने दीजिए, फिर आप उस प्याज को सेवन करें। और अगर सब्जी में भी बहुत ज्यादा लहसुन वैसे तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर डाल दिया है टेस्ट की वजह से, तब भी आप उस सब्जी में कुछ आधा नींबू निचोड़ करके फिर आप उस सब्जी को खाएं। इससे होगा क्या कि कुछ हद तक जो आपका, जो ये ज्यादा प्याज और ये लहसुन खाने की वजह से जो पित्त बढ़ेगा, उस पित्त को फिर से बैलेंस करेगा ये नींबू, ये लेमन। तो अगर आप से ये भूल हो गई है तो आप नींबू का सेवन करके उस बढ़े हुए पित्त को कुछ हद तक आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी होम रेमेडी मानी गई है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा आपको प्याज और ज्यादा लहसुन का सेवन नहीं करना है। हालांकि प्याज और लहसुन खाने के कुछ अपने ही अलग हेल्थ बेनिफिट होते हैं, अगर इनको लिमिटेड मात्रा में इनका उपयोग किया जाए। ये फायदे क्या हैं ये हम किसी और वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपसे मिस्टेक हो रही है, ये गलत प्रैक्टिस हो गई है बहुत ज्यादा प्याज खाने की, बहुत ज्यादा लहसुन खाने की, तो उसको ध्यान रखें। तो ये थी जानकारी मित्रों कि ज्यादा अगर आपने प्याज और लहसुन खा लिया है तो क्या उसके लिए होम रेमेडीज है, वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरीके की सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।